नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे छात्रों के खाते में आए 960 करोड़ रुपए के बारे में। एक नया डेवलपमेंट जो है इस पूरे खबर में सामने आया है, हम इसको आगे हम विस्तार से जानेंगे। कटिहार जिले के दो छात्रों के खाते में रातों रात 960 करोड़ रुपए आने वाले मामले को लेकर अब एक जो है नया मोड़ सामने आया है। बता दें कि कटिहार जिले के आजम नगर प्रखंड के पस्तीता गाँव के गुरुचरण और आसित कागजों के करोड़पति बन गए थे। जब यह बात मीडिया की सुर्खियों में बनी तो जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। इतनी बड़ी रकम को लेकर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की बेलागंज शाखा ने यह साफ कर दिया कि उनके बैंक अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जब उसी अकाउंट को इंटरनेट केंद्र से जाकर जांच की गई तो स्थिति कुछ और थी। इंटरनेट के अकाउंट जांच के बाद से उनके डिटेल की फ़ोटो कॉपी निकाली गई, जिसमें जो राशि लिखी है वह कैसे आई, इस बारे में बैंक के अधिकारी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। बता दें कि आजमनगर थाना क्षेत्र के बघौरा पंचायत स्थित पस्तीतिया गांव निवासी दो छात्रों के खाते में करोड़ों की राशि आने के बाद से बुधवार को गांव में सनसनी फैल गई थी। गुरुचरण और असीत के अकाउंट अलग अलग हैं। इंटरनेट केंद्र पर जब कक्षा 6 में पढ़ने वाले इन बच्चों का अकाउंट वेरिफिकेशन किया गया तो उनमें 900 करोड़ से ज़्यादा की राशि देखी गई। इसके बाद से अपना अकाउंट चेक कराने के लिए ग्रामीणों की एक तरह से कहने की कतार लग गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हुए गांव के जनप्रतिनिधि लल्लन विश्वास ने बताया कि बैंक ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की थी। जिलाधिकारी को प्रारंभिक जाँच के तौर पर बैंक द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि बैंक के अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बता दें कि फिलहाल इस गांव में माहौल शांत है। हालांकि जब अकाउंट में इतनी बड़ी राशि आई थी तो पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था। कटिहार की ही घटना के बाद से मुजफ्फरपुर की एक नया घटना जो है, एक नया मामला सामने आया जिसमें एक शख्स के खाते में 52 करोड़ रुपये आ गए। यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना का है, जहाँ एक वृद्ध किसान राम बहादुर शाह अपनी वृद्धा पेंशन की राशि चेक करवाने गए थे। एक CSP संचालक के पास उन्होंने अपना अकाउंट चेक करवाने के लिए गए, जहां CSP संचालक के पास जाते ही किसान ने अपना आधार कार्ड दिया और अपनी राशि चेक करवाने के लिए अंगूठा लगाया। जैसे किसान ने अंगूठा लगाया, CSP संचालक अमाउंट देखकर दंग रह गए। बता दें कि उस समय किसान के खाते में 52 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि जो थी मौजूद थी। इधर किसान को इस पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इतने पैसे कहां से आए। जैसे ही किसान के पास इतनी बड़ी रकम सामने आने की बात इलाके में एक तरह से कह लें कि आग की तरह यह खबर फैल गई। बुजुर्ग ने बताया कि वह खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि हम यही मांग करते हैं कि उस राशि से कुछ हमें भी मुहैया करा दिया जाए, जिससे हमारा बुढ़ापा जो है गुजर जाए। वहीं इस मामले पर उनके बेटे सुजीत का कहना है कि हमारे पिताजी के खाते में 52 करोड़ से अधिक रुपये आए हैं, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम किसान हैं, गरीब परिवार से हैं, सरकार द्वारा मदद की जाए। तो आपको बता दें कि इस पूरे 52 करोड़ का जो मामला है, आपको बता दें कि 52 करोड़ का जो ये मामला है, इसमें जब पैसे उनके अकाउंट में आ गए, बुजुर्ग के अकाउंट में, तब जो है उन्हें लग रहा है कि इसमें से कुछ पैसे जो है हमें दे दिए जाएँ ताकि जो है हमारा बुढ़ापा गुजर सके। वहीं दूसरा मामला जो है वो कटिहार से जुड़ा है, जिसमें कि 960 करोड़ रुपए आने की बात जो है कही गई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि इस तरह के बैंक से कोई गतिविधि सामने नहीं आ रही है। बैंक की तरफ से जो है इस तरह की बात कही गई है कि इसमें हमने कोई अकाउंट में पैसे ट्रांजेक्शन नहीं किए, लेकिन जो स्थिति उसमें दिख रहा है, इंटरनेट से जो डाटा निकाला गया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें से लेन देन की गई है, और उसमें जो है उसका मिनी स्टेटमेंट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 960 करोड़ रुपए उस अकाउंट पे आए हैं। अब जो है जिलाधिकारी का अलग बयान है, मिनी स्टेटमेंट में कुछ अलग है। ऐसे में अब देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।